हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी मैं बना रही हूँ अदरक और मिर्ची की पेस्ट, जो मेरी खलास हो गई थी, तो मैं बना के इसे फ्रोज़न कर दूँगी ताकि मुझे इजी रहे जब भी कुकिंग करनी हो। तो कृतांश कृतिक को मिर्ची मुंह में आती है तो पसंद नहीं आता है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि पीसी हुई मिर्ची की अदरक की पेस्ट ही यूज़ करूँ खाने में। बस अदरक मिर्ची की पेस्ट रेडी है, अभी मैं इसे किसी कंटेनर में भर लूँगी और फिर फ्रोज़न कर दूँगी फ्रीज़र में। तो जब भी मैं यूज़ करूँगी, थोड़े टाइम पहले थोड़ी सी निकाल लूँगी बाहर स्क्रैप करके, देन यूज़ करूँगी। आप चाहे तो क्यूब भी बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। मिर्ची वाले जार में भी मैं पानी डाल दूँगी थोड़ा, और उसे क्लीन करके वो पानी मैं कढ़ी बनाने में यूज़ कर लूँगी। इससे मेरी एक टाइम की कढ़ी ईजीली बन जाएगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने नेक्स्ट व्लॉग में बताया था, राकेश नहीं आने वाले हैं और अभी वो आए हैं। उनका कॉल आया कि मैं आधे घंटे में निकल जाऊंगा बात करके, तो मैंने टिफिन भी रेडी करके रख दिया था उनका। अभी वो टिफिन लेके जाएंगे, हो गया है रेडी उनका टिफिन। लेकिन कृतांश कृतिक ने ये देखे छाता है ना, दोनों दो बाजू से इस तरह से तोड़ दिए है। ये राकेश का अम्ब्रेला है, तो मैं रिपेयर कर रही हूँ फटाफट, उनको निकलना है। कृतांश श्रुतिक ने घर पे एक भी अम्ब्रेला ठीक नहीं रखे है। हम जब भी सुखाने के लिए दूसरे रूम में रखते हैं तो दोनों वहीं पे पहुँच जाते हैं, फिर खेलते और तोड़ जाते हैं। घर में जितने भी अम्ब्रेला है सारे ऑलमोस्ट वो लोग ने बिगाड़ दिए है। अभी वो दोनों ना बात करके नीचे खेलने को गए थोड़े टाइम के लिए, अभी वो आएंगे। मेरा भी बात करना बाकी है, पहले सोचा सबका निपटा दूँ काम, राकेश को भी जाना है, उनका सब किया भी ये कर दूँगी, फिर मैं बात के लिए जाऊँगी। छोटे बच्चे रहते हैं ना, सच में घर में कुछ भी एक चीज़ अच्छी नहीं रहती है। शायद आपको बारिश की भी आवाज़ आए, बारिश बहुत है बाहर। ये छोटा मोटा काम तो मैं घर पे ही खुद कर लेती हूँ। मैंने मिर्ची अदरक का पेस्ट बनाया तो मेरे हाथ दो थे मिर्ची वाले थे, तो मतलब मेरा भी, मैंने हैंड वॉश किया था लेकिन फिर भी मेरा हाथ मेरी स्किन को छू गया, तो मुझे भी जलन हो रही थी। और कृतांश श्रुतिक को बात करवाना था लेकिन राकेश को बोला आज बात करा दो आप, एक्चुअली उनको भी जल्दी निकलना है काम के लिए, उनको भी टाइम नहीं था, लेकिन मैंने बोला आज करा दो बात, वरना मैं उनको नहलाऊंगी तो उनको भी जलन होगी, तो उन्होंने बात करवाया। अभी मैंने बर्तन वर्तन घिसे है तो शायद तीखापन कम हो गया होगा, तो क्योंकि मुझे भी बात के लिए जाना है। अभी कृतांश श्रुतिक को भी अम्ब्रेला लेके दी थी हम लोग ने, लेकिन उन्होंने तोड़ डाली उनकी अम्ब्रेला, दोनों को लेके दी थी, कभी वो हमारी अम्ब्रेला के पीछे पड़ जाते हैं। ये बहुत ही इजी है, अगर तार में से सिलाई निकल जाती है ना जॉइंट, तो आराम से हो जाता है, थोड़े से टाके ही लगाने रहते हैं। टाके गए अभी बाथरूम में नहाने को और फिर मेरा नंबर लगेगा, तब तक ये हो जाए तो अच्छा है। वैसे तो हो ही जाएगा क्योंकि दिया बत्ती भी बाकी है, राकेश दिया बत्ती करते हैं तो हो जाएगा। बोल रही थी उनको काफ़ी दिन से मैं आपको रिपेयर करके दूंगी, लेकिन अब टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज मैंने बोला चलो ये पहले कर देती हूँ, फिर बाद में दूसरा काम हाथ में लूँगी। कृतांश कृतिक क्या खा रहे हो? बेल और किशमिश। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया? क्या खाया मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में? बेल और मसाले का पराठा। ओके, और कृतांश तुम्हारे पीछे क्या लगाया हुआ है वहाँ पे क्या हैंग किया है, क्या है वो? सीनरी पेंटिंग। अच्छा, सीनरी पेंटिंग है वहाँ पे लगा दी।
कुतांश कुर्ती के रेनकोट सूख गए हैं, अभी इसे मैं फोल्ड करके वापस उनके बैग में रख दूंगी, क्योंकि स्कूल छुट्टी है तभी बारिश रहती है तो उनको पहनने पड़ते हैं, तो वो छुपने के टाइम खुद ही पहन के आते हैं बाहर। स्कूल में रेनकोट देना अभी कंपलसरी है रेनी सीज़न में, क्योंकि स्कूल छूटने के टाइम अगर हम लोग ने रेनकोट नहीं दिया रहता है और बच्चों के लिए रेनकोट वहाँ पे लेके जाते हैं तो फिर बहुत क्राउड हो जाता है वहाँ पे रेनकोट पहनाने के लिए बच्चों को, फिर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स सब बहुत भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पे इसलिए अलाउड नहीं करते हैं, तो रेनकोट हमें साथ में भेजना रहता है, तो फिर स्कूल छूटने के टाइम वो खुद ही रेनकोट पहन के बाहर आते हैं। और मुझे आज घरघंटी चालू करनी है, तो मैंने सारे स्टील के डिब्बे जिसमें मैं आटा स्टोर करती हूँ वो मैंने धो के वॉश करके सूखा के रख दिए हैं। सबसे पहले मैं चने का आटा बनाऊंगी, तो चने की दाल निकाल रही हूँ, तो इसमें है ये पारद टेबलेट जो मैं निकाल रही हूँ, वो चने की दाल ख़राब ना हो इसके लिए मैंने पारद टेबलेट डाली हुई थी, लेकिन अभी मैं उसको अलग निकाल के रख दूंगी कि वो पीसने में ना जाए। अभी बाहर बारिश रुकी हुई है तो मैं सोच रही हूँ कि घंटी है वो बाहर ही बालकनी में लेके जाऊँ और बाहर ही आटा पीसूँ, वैसे तो मैं ही बाहर ही आटा पीसती हूँ, लेकिन जब बारिश रहती है तो मैं किचन के अंदर ही घंटी चलाती हूँ, बाहर नहीं निकालती हूँ घंटी, अदरवाइज़ आटा जो है वो गीला हो जाएगा, इस वजह से मैं अंदर ही पीसती हूँ, लेकिन बारिश रुक गई है तो मैं सोच रही हूँ बाहर फटाफट से पीस लूँ। इसके लिए मैंने फ़ैन जो मेरे किचन में था वो भी बाहर निकाल लिया ताकि मुझे यहाँ पर किचन में ज़्यादा स्पेस मिले, और ये घंटी है वो राकेश ही बाहर निकाल के मुझे देते हैं, लेकिन राकेश ऑफिस चले गए हैं तो मैंने सोचा अभी मैं ही खुद बाहर निकाल लेती हूँ। सबसे पहले मैं चने का आटा बनाऊंगी, तो इसके लिए चने की दाल में डाल रही हूँ। तो मेरा बेसन जो है वो रेडी है, बस इसे एक बार मैं सीव कर लूँगी फिर मैं इसे भर लूँगी। मैं सारे आटे को सीव नहीं करती हूँ, सिर्फ बेसन और चावल का आटा बनाती हूँ उसे ही सीव करती हूँ, बाकी गेहूं का आटे को मैं बिल्कुल भी सीव नहीं करती हूँ। आपको वीडियो में मेरा हाथ जो है वो आटा वाला ही दिखेगा। तो अभी मैं बना रही हूँ येलो खमन का आटा जो कृतांश्रुति को बहुत ही पसंद है। इसमें मैंने चने की दाल, उड़द दाल और चावल लिया हुआ है जिसे मैं ग्राइंड करने के लिए घंटी में डाला हुआ है। हाय फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सब्जी रोटी और दही का कृतिक लंच करने के लिए बैठ गए हैं। आज उनकी फेवरेट सब्जी है भिंडी की सूखी सब्जी, उनको बहुत पसंद है तो आज वही बनाई हुई है। और पीछे प्लास्टिक के टब और बकेट आपको बाहर दिख रहे हैं क्योंकि कपड़े भी एक बाजू वॉश हो रहे हैं, मैंने मशीन चालू किया है आज तो कपड़े भी वॉश हो रहे हैं साइड में।
और आज मैंने कपड़े भी ज़्यादा निकाले हैं, बेडशीट टॉवल सब निकाले हुए हैं, क्योंकि बारिश रुक गई थी तो मैंने सोचा आज कपड़े भी ज़्यादा निकाल लेती हूँ ताकि सूख जाए। तो ये बेडरूम की है मेरा, तो बेडरूम में मैं कपड़े बालकनी में सुखा रही हूँ। और साइड की वॉल पे आप देखोगे कुत्ताज कृतिक में पेंसिल से कितने सारे मार्क्स किए हुए हैं। एक रेनकोट वॉश किया था वो सूख गया है, जिसे मैंने सामने रखा हुआ है, और बाकी के कपड़े मैं यहाँ पे सूखा देती हूँ। बस अब मुझे भी भूख लगी थी तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ, बाद में और आटे पीसने का काम करूँगी। तो मैं अभी खाना खा रही हूँ और कृतांश कृतिक है वो खेल रहे हैं। ये है चावल का आटा जो मैंने बहुत ही कम पीसा है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे चकली बनानी थी तो मैंने ज़्यादा पीसा था, बट इस टाइम मैं चकली नहीं बनाऊंगी और कुछ नाश्ता बनाऊंगी, तो कम पीसा है। अब मुझे मेरा फेवरेट ढोकला, सफ़ेद ढोकला जो मुझे बहुत पसंद है, उसका आटा पीसना है। तो उसके लिए मैं जाली चेंज कर रही हूँ, उसके लिए थोड़ा मोटा आटा लगता है, तो बस मैं वही चेंज कर रही हूँ। सफ़ेद ढोकला के लिए मैं पीसने के लिए चावल और उड़द दाल लिया है, इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। अगर बहुत ज़्यादा डालूंगी तो क्या होता है कि नीचे ज़्यादा फंस जाते हैं दाल चावल, तो ग्राइंड नहीं ठीक से होता है, बंद हो जाता है मशीन। तो मैं इस तरह से थोड़े थोड़े डालूंगी क्योंकि अंदर ज़्यादा फिर फंस ना जाए दाने। तो सफ़ेद ढोकले का आटा भी रेडी है, ये थोड़ा मोटा पीसा हुआ है, बारीक नहीं होता है ये आटा। अभी रोटी का आटा बनाने के लिए मैं गेहूँ पीसूंगी, उसमें मैं थोड़े से सोयाबीन ऐड करूंगी ताकि उसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो आटे की बढ़ जाए। मैंने जो येलो खमन का आटा बनाया था उसके लिए मैं एक मिक्सर प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने शुगर ली है, सॉल्ट लिया हुआ है एंड नींबू के फूल लिए हैं। इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी। अब इसमें सोडा डाल के अगेन मैं चन कर लूंगी, फिर इसको मैं सब आटे में मिक्स कर लूंगी। अब जो मैंने आटा बनाया था खमन का, उसमें मैं सब मिक्स धीरे धीरे कर दूंगी, और जब मैं इसे खमन बनाऊंगी तब इसमें मुझे सिर्फ पानी ऐड करना है और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है, और बस मुझे स्टीम करने के लिए फिर रख देना है। ये खमन कैसे बनते हैं वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये खमन कृतांश कृतिक को बहुत पसंद है, इसलिए हर टाइम मैं ग्राइंड करके रख देती हूँ ये आटा। दूसरी साइड मेरा गेहूं का आटा भी पीस के रेडी हो गया है, तो बस इसे मैं स्टील के कंटेनर में खाली कर रही हूँ और दूसरा फिर आटा अगेन पीसने के लिए रख देती हूँ। सबसे लास्ट में मैं बनाऊंगी मल्टीग्रेन आटा, जिससे मैं हांडवा और पुडला बनाती हूँ। तो इसमें सेम दो बाउल लेने हैं, और उसमें एक बाउल में भरना है चावल और दो मुट्ठी मैंने गेहूँ लिए है, और दूसरे बाउल में सब मिक्स दाल मैंने ली है, जिसमें है सोयाबीन, तुअर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, नाचनी, जुवार, ये सब मैंने मिक्स किया हुआ है, और सोयाबीन भी ऐड किया हुआ है। मैंने इस बार कॉर्न नहीं ऐड किया क्योंकि कॉर्न मुझे दुकान में मिला नहीं था, तो कॉर्न ऐड नहीं किया हुआ है और हरा मूंग ऐड नहीं किया हुआ है। जैसे ही मेरा गेहूं का आटा पीस जाएगा लास्ट में मैं ये आटा पीसूंगी, क्योंकि इसको मोटा मुझे थोड़ा पीसना है, मैं बारीक नहीं पीसूंगी। तो मोटा आटा, एक आटा जो रहता है मोटा वाला, वो मैं लास्ट में पीसती हूँ, या फिर ये मल्टीग्रेन रहता है या फिर गेहूं का आटा रहता है। अब इसे मैं एक बाउल में
अगेन सब मिक्स कर लूँगी ताकि पीसने के टाइम मुझे इजी रहे डालने में। अभी शाम का टाइम हो गया है तो कृतांश कृति को भूख लगी है तो मैं उनके लिए दूध बना रही हूँ। तो मैं एक टाइम प्रीफर करती हूँ कि हल्दी वाला दूध उनको दूँ, तो बस उनके लिए हल्दी वाला दूध बना रही हूँ। हालांकि उन दोनों को हल्दी वाला दूध पसंद नहीं है और उनको नाश्ते में खानी है चकली, तो मैं चकली दे रही हूँ नाश्ते में, और ये मैंने घर पे ही बनाई हुई है, और थोड़े से बिस्किट्स भी मैं दे रही हूँ साथ में उनको। मैंने भी अपने लिए दूध बना लिया है, मैं प्लेन दूध ही गर्म कर रही हूँ, बस अभी उसको मैं बिस्किट्स के साथ खाऊंगी। नींद क्यों आ रही है कृतिक तुम्हें? कृतिक को नींद आ रही है, उसकी चकली कृतांश खा जाएगा अभी। क्यों आँख खुल गई? गिरेगा दूध, खड़ा हो जा कृतिक, बैठ जा कृतिक, बैठ जा बेटा। देख फ्लाइज उड़ रहे, देख फ्लाई उड़ रही है, देख ध्यान रख। अनार लाई थी मार्केट से तो मैं उसे छील रही हूँ थोड़ा टाइम मिला तो, क्योंकि गेहूं का आटा मैं 2 डिब्बे भर के पीसती हूँ तो उसे पीसने में टाइम लगता है, तो बीच का टाइम है उसमें मैं अनार छील रही हूँ। बस अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ मल्टीग्रेन आटा पीसने को, तो ये बस पीस जाएगा अभी, बस ये मेरा लास्ट ही है आटा। रोटी के लिए 2 स्टील के डिब्बे भर के मैंने आटा ग्राइंड कर लिया है, और जो प्लास्टिक का डिब्बा है उसमें है भाखरी के लिए गेहूं का आटा। बस मेरा काम हो गया है आटे बनाने का। अब मैंने घंटी अंदर ले ली है, उसे सिर्फ मोटा मोटा ही मैंने क्लीन किया हुआ है, क्योंकि घंटी है वो गर्म हो गई थी, अभी वो ठंडी होगी तब तक मैं दूसरा सब काम निपटा दूंगी, फिर बाद में उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू भी लगा दिया है एंड अभी मैं पोछा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से पोछा नहीं किया था, मुझे घंटी चालू करनी थी तो आज लास्ट में मैंने पोछा किया है आज। अब मैं हाथ पैर मुंह सब धो के फिर भगवान की पूजा करूंगी। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अरे बेटा मैं रेवा जो मैं रेवा। लाइट, कैमरा, एक्शन। कृतांश कृतिक ने चने खाने को लिए थे लेकिन उसमें इस टाइम कड़क दाने आ गए तो उन्होंने नहीं खाए, तो वो बैठ के मैं खा रही हूँ अभी। स्टडी करवा के कृतांश कृतिक को आज भेल खानी है, तो बस मैं भेल बनाने जाऊंगी फिर किचन में। भेल बनाने के लिए मैंने ली है ग्रीन चटनी, फिर गार्लिक की चटनी,
और अब इसमें मैं ऐड करूँगी मीठी चटनी। तो मीठी चटनी मैं ज़्यादा डालूँगी क्योंकि वो मैं कुर्तान शर्कुती के लिए बना रही हूँ भेल। ग्रीन चटनी और ये मीठी चटनी है वो मैंने फ्रोज़न वाली यूज़ की है, ये मैं पहले से ही बना के रखती हूँ फ्रिज में। एनी टाइम कभी भी मुझे क्विक एंड फास्ट कुछ भी बनाना हो तो मैं बना लेती हूँ। अब तीनों चटनियों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और कृतांश कृति को आप देख रहे हैं बीच में हाथ डाल रहे हैं। चॉप ऑनियन ऐड करेंगे, देन चॉप टमेटोज ऐड करेंगे, एंड अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जलजीरा पाउडर, चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं बट मैं जलजीरा पाउडर ऐड करूंगी। तो बस मैं अराउंड 1 टीस्पून जितना ऐड करूंगी। मुरमुरा ऐड करके फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। बॉयल पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं लेकिन भूतान श्रुति को बॉयल पोटैटो भेल में पसंद नहीं है। फिर चना दाल है, मसाले वाली सींग है, वो भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने वो ऐड नहीं किए क्योंकि वो घर में नहीं थी उस टाइम। और अब मैं ऐड करूँगी पोमोग्रेनेट, कोरिएंडर ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। देन उसमें ऐड करेंगे बेसन की सेव, ये सेव भी मैंने घर पे ही बनाई हुई है, इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है। देन अच्छे से मिक्स करेंगे। कृतांश तो कब से बाउल लेके खड़ा था कि उसको भेल खानी है बट मैंने कहा जब बनती है तभी मैं दूंगी तुमको, तो बनाई अभी, बस पहले उनको मैं खाने के लिए दे देती हूँ। ऊपर थोड़ी बेसन की सेव ऐड करूँगी, ये सेव भी मैंने घर पे बनाई हुई है और इसकी रेसिपी भी मैंने दी हुई है। देन गार्निशिंग के लिए हरा धनिया एंड पोमोग्रेनेट डालूँगी। नहीं, आज का मेरा पूरा दिन तो एकदम बिजी था क्योंकि मैंने फ्लोर बिन चालू किया था। तो जब भी मैं वो घर घंटी चालू करती हूँ ना तो मेरा पूरा दिन उसी में जाता है। अभी भी मेरा घंटी को साफ करने का बाकी है, वैसे तो हो जाता था लेकिन कल एग्ज़ाम है तो उसका प्रिपरेशन मैंने करवाया। अभी उनको नींद आ रही, अभी सो जाएंगे और मैं घंटी साफ करूँगी एंड उनके कल के लिए क्वेश्चन सारे लिख दूँगी। तो उठेंगे तो वो फिर थोड़ा फ्रेश होकर नहा धो के फिर आंसर लिख लेंगे। तो बस अभी मुझे वो दो काम करने हैं। हमने खाना खा लिया, मेरे जो बर्तन थे, मैं हमारे तीनों का खाना और बर्तन हो जाते हैं। राकेश का भी कॉल आया था कि वो नहीं आएंगे, अभी मॉर्निंग में आएंगे। तो अभी ये ही रेगुलर चलेगा, वो मॉर्निंग में डायरेक्ट आएंगे। तो टिफिन तो सुबह लेके गए थे, अभी नाइट को वो बाहर नहीं पे खा लेंगे, फिर कल वापस आएंगे टिफिन लेके जाएंगे। तो अभी ये ऐसा ही रेगुलर चलेगा क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट हो गई है हमारे काम की। अभी थोड़े टाइम पहले ऑफ सीज़न था, अभी सीज़न स्टार्ट हो गई है तो अभी ऐसा ही रूटीन रहेगा हमारा। वैसे तो आज मैं काफ़ी बिजी थी, मेरे पास टाइम नहीं था और बच्चों ने भी बोला भेल खाना है तो भेल का मेरे पास सामान रेडी था, चटनी रेडी थी बनाई हुई, सेव भी बनाई हुई थी, मुरमुरा भी था। तो वीकेंड फास्ट में मैंने भेल बना दी और राकेश ने कहा कि मैं भी नहीं आने वाला हूँ तो फिर चटनी एंड ऑल जो था वो वापस मैंने फ्रिज में रख दिया। तो बस यही था रूटीन आज का मेरा। अभी एग्ज़ाम चालू है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पा रही हूँ। अभी अराउंड 8 के 10 तारीख क्या सुनिए एग्जाम, शायद 8 तक है एग्ज़ाम। कल की तो चालू तो से सेकेंड ही चालू तो से अने 8 तक है एग्ज़ाम। तो अभी तो ज़्यादा मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम उनको स्टडी कराने में ही जा रहा है। तो फिर एग्ज़ाम के बाद में शायद ब्लॉगिंग मेरा कंटिन्यू अच्छे से कर पाऊँगी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा आज का मेरा। मुझे दस हमारी चैनल को लाइक